मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आजकल कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो साइंस की तरक्की की तरह ही बढ़ती चली जा रही हैं। यहां हम वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे आविष्कारों को घेरे में नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपको ये बताना चाहते हैं कि भले ही साइंस ने कितनी ही तरक्की कर ली हो, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ख़त्म होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। इन्हीं शारीरिक बीमारियों में से एक बीमारी है पित्त, यानी कि गॉल ब्लडर की पथरी। कभी कभी पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन और पित्त लवणों का जमाव हो जाता है। 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। धीरे धीरे वो कठोर हो जाती हैं तथा पित्ताशय के अंदर पत्थर का रूप ले लेती हैं। पथरी का आकार रेत के एक कण से लेकर गोल्फ की गेंद तक हो सकता है। पत्थर बन जाने के बाद ये पित्त के प्रवाह में बाधा डालती हैं। इसके कारण अक्सर बहुत तेज दर्द और लीवर या पैनक्रियाज में सूजन हो सकती है। अचानक पेट के दाहिने भाग में जोर का दर्द, पीठ दर्द, जी मचलाना या उल्टियां, पेट फूलना, अपचन, ठिठुरन तथा मिट्टी के रंग का मल होना भी पथरी के लक्षण हैं। पथरी के कारण होने वाला दर्द कई मिनट से कई घंटों तक हो सकता है। पथरी होने का मुख्य कारण जीवन शैली का स्वस्थ ना होना होता है। गर्भावस्था, मोटापा, डायबिटीज, लीवर की बीमारी, सुस्त जीवन शैली, उच्च वसा युक्त आहार और एनीमिया के कुछ प्रकार की वजह से पथरी का खतरा हो सकता है। तो चलिए आज यही जानते हैं कि गॉल ब्लैडर की पथरी को हम किस तरह से घरेलू उपचार के जरिए दूर कर सकते हैं। और इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे हल्दी की। पथरी के लिए हल्दी एक उत्तम घरेलू उपचार है। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। हल्दी पित्त, पित्त यौगिकों और पथरी को आसानी से विघटित कर देती है। ऐसा माना जाता है कि एक चम्मच हल्दी लेने से लगभग 80% पथरी खत्म हो जाती है। बात करेंगे चुकंदर, नाशपाती और सेब के रस की। इन रसों के द्वारा पथरी का प्राकृतिक तरीके से प्रभावी उपचार किया जा सकता है। विभिन्न रस जैसे चुकंदर का रस, नाशपाती का रस और सेब का रस लीवर को स्वच्छ करते हैं। पथरी बनने से रोकने के लिए इन तीनों रसों के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात करेंगे अब पुदीना की। पुदीना पित्त तथा अन्य पाचक रसों के प्रवाह को उत्तेजित करता है। इसमें टैरपिन नामक यौगिक पाया जाता है जो प्रभावी रूप से पथरी को विघटित करता है। आप पुदीने की पत्तियों को उबालकर पिपरामिंट टी भी बना सकते हैं। पथरी के लिए ये एक प्रभावी घरेलू उपचार है। बात करेंगे अब विटामिन सी की। विटामिन सी शरीर के कोलेस्ट्रॉल को पित्त अम्ल में परिवर्तित करती है जो पथरी को विघटित करता है। आप विटामिन सी से संपूरक ले सकते हैं या ऐसे खाद्य पदार्थ खा सकते हैं जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो, जैसे संतरा, टमाटर वगैरह। पथरी के दर्द के लिए ये एक उत्तम घरेलू उपचार है। बात करेंगे अब एप्पल साइडर विनेगर की। एप्पल साइडर विनेगर की अम्लीय प्रकृति लीवर को कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकती है जो ज़्यादातर पथरियों का कारण होता है। ये पथरी को विघटित करने तथा दर्द को समाप्त करने में सहायक होता है। बात करेंगे डंडेलियन यानी कि सिंगपर्णी की। पथरी के लिए ये एक उत्तम हर्बल उपचार है। इसमें टॉरॉक्सिन नामक यौगिक पाया जाता है जो लीवर से पित्त के स्त्राव में सहायता करता है तथा पथरी को रोकता है। ये लीवर में जमे हुए फैट को भी दूर करता है। आप इसकी पत्तियों से हर्बल टी बना सकते हैं। वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें डंडेलियन का सेवन नहीं करना चाहिए। बात करेंगे अब नींबू के रस की। नींबू का रस या खट्टे फलों का रस पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है तथा इस प्रकार पथरी बनने से बचाव होता है। इसीलिए दिन में 3 बार नींबू का रस जरूर लें। बात करेंगे अब अरंडी के तेल की। अरंडी का तेल पथरी को रोकने और कम करने में काफ़ी सहायक होता है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि दर्द का नाश करते हैं, प्रतिरक्षा और लसिका प्रणाली पर कैस्टर ऑयल का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहां पित्ताशय होता है उस स्थान पर हल्के हाथों से कैस्टर ऑयल की मसाज जरूर करें। बात करेंगे अब नाशपाती की।
नाशपाती में पेक्टिन नामक यौगिक होता है जो कोलेस्ट्रॉल से बनी पथरी को नर्म बनाता है ताकि वो शरीर से आसानी से बाहर निकल सके। वो पथरी के कारण होने वाले दर्द तथा अन्य लक्षणों से आराम दिलाने में सहायक होता है। बात करेंगे अब फाइबर समृद्ध खाद्य पदार्थों की। वर्तमान वैज्ञानिक दावों ने ये सुझाव दिया है कि फाइबर से समृद्ध तथा कम वसा वाले खाद्य पदार्थ खाने से पथरी की रोकथाम में सहायता होती है। फाइबर मल त्याग की मदद से पाचन तंत्र को सहायता पहुंचाता है। ऐसा आहार जिसमें वसा कम मात्रा में हो पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। सब्जी फल तथा जौ में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आज हमने आपको घरेलू उपचार बताए पित्ताशय की पथरी के यानी कि गॉल ब्लैडर की पथरी के। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ ऐसी ही खास जानकारियों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।